हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनु स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूट्यूबर श्रेयस अम्मा। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन लेके आई हूँ। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बेल आइकन के साथ में, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँचे। आजकल आप लोगों को पता है मेरी वीडियो बहुत ही कम आ रही है और ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं बन पा रहे, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग मेरे वीडियो का वेट करते होंगे और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए मेरे चैनल पे, ताकि मैं अब वीडियो आएगी। ऐसा नहीं है मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है और इसलिए मैं वीडियो डेली नहीं डाल पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन दिखा दूँ, आप लोगों को शेयर कर दूँ, और शायद आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए। आप लोगों को ये मेरी कैप कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। ये मैंने अगले साल ली थी, और ठंड क्या ना, ठंड धूप में बैठो तो नहीं लगती है, पर नीचे हम नीचे रहते हैं तो वहाँ पर नीचे ठंड काफ़ी लगती है, तो इसलिए मैंने पहन लिया है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेट दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से है, ये देखिए, ये है। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। ये मेरी शादी का ही है जी, इस तरीके से। जी कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से है ये ऐसे, और इसके इयर रिंग्स आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो इसके इयर रिंग आप लोग ये देखिए इस तरीके से हैं, ये आप लोग पास से देख लीजिए इस तरीके से बने हुए हैं। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है। सो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और मैं इस दिखा दूँ तो ये मतलब गले पे बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये इस तरीके से आता है जी, यहाँ पे जब हम पहनते हैं इसका लुक ऐसा लगता है। कमेंट करिएगा प्लीज मुझे कैसा लग रहा है। और मैं फिर मेरे पास में रिंग ज्यादा नहीं है, तो मेरी एक ही रिंग है, एक मेरी क्या ना, एक मेरी रिंग खो चुकी है और तो मैंने दूसरी रिंग खरीदी थी अभी। तो ये इस तरीके से है, आप लोग देखिएगा, इसका मैं पहन के दिखा दूं आप लोगों को। तो इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से इसका डिज़ाइन बना हुआ है। कैसी लग रही प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। जो मेरे पास में थोड़ा बहुत है मैं उसी को आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं मेरे पास में जो है। और उसके बाद में ये है मेरी चैन, ये इस तरीके से, इसका डिज़ाइन कुछ खास नहीं है पर इस तरीके से है, जो घूमी हुई होती है उस तरीके से। ये देखिए इसका है, जो थोड़ा बहुत है मेरे पास में वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैं आती हूँ इयर रिंग्स, तो ये है मेरे इयर रिंग्स, ये शादी में मेरी चाची ने मुझे दिया था, तो वही है। ये देखिए जी, छोटे हैं ज़्यादा, पर डेली यूज वाले हैं तो मैं पहनती भी हूँ कभी कभी, डेली नहीं पहनती हूँ। और जो मेरा दूसरा इयर रिंग्स है वो है ये सुई धागा, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ जी कैसा लग रहा है आप लोगों का इसका डिज़ाइन। ये तो मैंने खुद अपने हाथों से मतलब लिया है, अपने पैसों से जो मैंने इकट्ठा किया था उससे लिया था। इसका डिज़ाइन इस तरीके से आता है, ये देखिए कितना सुंदर लगता है। ये बहुत ही मतलब डिफरेंट है, और ये देखिए पास में दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है इसका डिज़ाइन, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। और ये
तरीके से है जी। ये भी मुझे बताइएगा आप लोगों को ये मेरी ईयरिंग्स कैसी लगी। और जो मेरी अगली ईयरिंग्स है तो वो है, आप लोगों को मैं दिखा दूँ, वो इस तरीके से है जी। ये देखिए, कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट करिएगा। मैं डेली वेयर में ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, मैं तो मतलब कहीं आना जाना पड़ता है तो मैं पहन लेती हूँ, डेली वेयर में मैं नहीं पहनती हूँ। और उसके बाद में आती है मेरी नोज रिंग। नोज रिंग मेरी दो, एक मैंने पहनी हुई है, एक मेरी टूट गई है, और मेरे पास 5 थी तो उसमें से दो टूट चुके हैं, एक मैंने पहन रखी है और एक ज़्यादा नहीं है, ये छोटी सी है ये देखिए इस तरीके से। और एक ये है, ज़्यादा बड़ी नहीं है पर ये भी मतलब काफ़ी, ये पुरानी तरीके की, पुरानी डिजाइन में है ये देखिए इस तरीके की है। इसको मैंने भी अभी तक 6 साल हो गए इसको मैंने पहनी नहीं है, ये ऐसे ही रखी हुई है। और उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये है मेरा मांग टीका जी, ये देखिए इस तरीके से है ये। पर ये क्या है ना कि मतलब कि फैला नहीं बना है, ये भारी बना है, ठोस में बना हुआ है, जो है मेरा सामान ठोस में है तो ये फैला हुआ नहीं बना। तो ये है मेरा मांग टीका, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। ये देखिए इस तरीके का है। और मैं आप लोगों को मैं अपनी नथ दिखा दूँ तो मैंने जो पहनी थी ये है इस तरीके की, नहीं सॉरी इस तरीके की जी देखिए इस तरीके की है। ये नोज रिंग है मेरी, जिस नथनी जो बोलते हैं इसको, ऐसे जो पहनी जाती है ये वाली है, तो इस मैंने उसमें पहनी थी करवा चौथ में, वही वाली है। और ज़्यादा मतलब जो है ठोस है। और उसके बाद में मैं दिखा दूँ मेरे पास में एक और नोज रिंग है जो ये काफ़ी पुरानी है, ये है इसका, ये कलर इसका चला गया है यहाँ का ये, तो अभी ये रखी हुई है पर ये इस तरीके की है ये देखिए। इसका ये मोती बदलाने वाले हो गए क्योंकि उसका कलर थोड़ा सा निकल गया है, तो ये रखी हुई है क्योंकि उसको पहनते नहीं है तो ये रखी हुई है। और इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये है मेरे पास में और चैन ये देखिए कैसी लग रही है आप, ये भी मुझे बताइएगा। मैं अगला मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो मेरे बाबू की है चैन, मैंने बनवाई है उसकी, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये है मेरे बाबू की चैन है, मैंने बनवाई थी इसकी, ये देखिए। कभी मैंने आज तक इसको मैंने पहनाई भी नहीं क्योंकि छोटा है और ये बहुत हल्की है, पर इसका ना डिजाइन अच्छा लगता है ये देखिए। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसमें एक लॉकेट डलवा दूंगी तो आराम मतलब पहनने कहीं पहन भी पहन के भी आ जा सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मेरे बाबू की चैन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बनवाई थी, इसमें डेट 2018 में बनवाई थी, तब मुझे ये पड़ी थी 7,000 की, ये देखिए इस तरीके की है ये, मैंने अपने बाबू के पैसों से ही बनवाई है क्योंकि क्या होता है ना छोटे बच्चों के, तो ये है ये देखिए इस तरीके।
ऐसा नहीं है, बड़े लोग भी ये पर बड़े हम लोग पहनेंगे तो ये बहुत ही छोटी पड़ जाएगी, तो ये क्योंकि बहुत ही पतली है, देखिए गले में एकदम दुब जाएगी, ऐसी हो जाएगी, तो इसलिए नहीं। पर ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं इसमें एक अच्छा सा लॉकेट डलवा दूंगी और उसके बाद में ये पहन भी लेगा। इसी छोटा है क्योंकि अभी ये टूट भी सकती है, इसलिए मैंने इसको रखी हुई है, नहीं पहनाया हुआ है। सो बस मेरे पास में इतना ही है जो सामान मैंने आप लोगों के साथ में। सो गाइस, मैंने आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखा दी है और आप लोगों को पसंद आई, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो को शेयर करने, ताकि लोगों को कुछ डिज़ाइन आप लोगों को अच्छी लगेंगी या कुछ और लोगों को अच्छी लगेंगी तो हेल्पफुल हो पाएगी वीडियो, आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगले इंसान कोई भी इसमें से डिज़ाइन पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।